हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जनता अब बदलाव के मूड में है, गहलोत। कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है और वे ये अच्छी तरह से समझ गई है कि जनता के हित में कौन सी सरकार सही है। हमने प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा तथा लोगों के हितों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की थी, लेकिन वसुंधरा सरकार ने आते ही उन योजनाओं को बंद कर दिया। वसुंधरा सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है। गहलोत ने कहा कि जो सरकार अच्छे दिन लाने का वादा करती रही, वे सरकार ने प्रदेश को पूरी तरह से गर्त में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी कर ब्लैक मनी लाने का कहा था, परंतु आज तक कोई ब्लैक मनी नहीं आई और आतंकवाद पर भी कोई काबू नहीं पाया जा सका है। गहलोत ने कहा कि देश की जनता अब कांग्रेस को फिर से सत्ता पर दिखना चाहती है, इसलिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें और सोचत विधानसभा प्रत्याशी शोभा सोलंकी पक्ष में जुट जाए। इससे पूर्व गहलोत के हवाई पट्टी पहुंचने पर कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सोलंकी, पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहन लाल टांक, मदन पवार, भीखा राम चौधरी, राजकुमार टांक, मोहन लाल सोलंकी, मदन बौराना सहित कई कांग्रेस जनों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़, जिला अध्यक्ष चुन्नी लाल चाडवास, पूर्व प्रत्याशी संगीता आर्य, पूर्व प्रधान राजेश सिंह कछवाह, NNUI के जिला अध्यक्ष मनीष पालरिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र सोनी, ब्लॉक प्रवक्ता चंपालाल खोरवाल, नरपत सिंह दैया सहित कांग्रेस नेता मौजूद थे। सोजत सिटी से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।